बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जो छात्र जुटे हैं वो अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या होना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हालांकि कह चुके हैं कि इस बार कई बदलावों से छात्रों को राहत मिलेगी। नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही बोर्ड परीक्षा 2023 से जुड़ी। बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर सरकार की तरफ से कर दी गई बड़ी घोषणा। जी, आपसे बता दें कोरोना वायरस का कहर देश में फिर से बढ़ने लगा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी विभाग अलर्ट हो चुके और इसी पर बोर्ड की परीक्षाओं को इस बार सरल और सटीक बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई सारे बड़े बदलाव कर दिए गए, जिसकी भी जानकारी हम संपूर्ण आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में बैठने वाले और 2023 की परीक्षा देने वाले हो तो आप तमाम साथ जुड़िए। सबसे बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आ रही जिसको जानकर आप खुशी से उछल पड़ोगे, जिसकी संपूर्ण जानकारी अपडेट हम जाने वाले इस वीडियो में के साथ में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप अपने राज्य और बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आपकी बोर्ड से जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस की वजह से सरकार अब अलर्ट हो चुकी है और इसे देखते हुए कई सारे राज्यों में अलर्ट भी इसका जारी हो चुका है और इसी बात को ध्यान रखते हुए बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी सरकार टेंशन में नजर आ रही है और इसी से जुड़ा हुआ सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर। जी आपसे बता दें सरकार ने कहा कि इस बार आपके 60% सिलेबस में से आपका पेपर बनाया जाएगा। ये सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी, यानी 40% आपका सिलेबस वो रिड्यूस कर दिया गया है और कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की वजह से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि इस बार आप सभी के फरवरी माह के अंदर एग्जाम है वो जारी कर दी जाएगी। आप सभी को गौरतलब होगा कि CBSE की परीक्षा डेट है वो घोषित हो चुके हैं और डेट शीट भी जल्द जारी हो जाएगी, यानी 15 फरवरी से जो CBSE बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी इसका टाइम टेबल भी सरकार जल्द ही जारी कर देगी। इसके अलावा आप सभी को बता दें सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान कर दिया है जिसमें सरकार ने कहा कि इस बार आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आपको जो बड़े क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेंगे, उन सभी को घटा दिया है और जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है वही आपको इस बार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है इस बार हम विद्यार्थियों की पढ़ाई को देखते हुए आप सभी का पेपर बनाएंगे, ऐसा नहीं कि उस सिलेबस से बाहर से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। यदि सिलेबस से बाहर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आपको बोनस नंबर भी दिया जाएगा। ये भी सरकार की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। इस पर आप फिलहाल क्या रही है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।